क्या हम लोगों ने किया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए आई इज इक्वल टू ई अगर होगा तो आर वन आर टू के बराबर हो जाएगा, और आर वन आर टू अगर आर के बराबर कह दिया तो यहाँ पर वैल्यू आर वन की जगह भी आर और आर टू की जगह आर पुट करने के बाद आर की वैल्यू ए बाई टू आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख दें इस इक्वेशन में, डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तो कितना हो जाएगा, आई प्लस आई माइनस आर प्लस आर, ये कितना हो गया टू आई माइनस टू आर। अच्छा यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ए इज इक्वल टू टू आर के बराबर है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू टू आई माइनस ए के इक्वल हुआ। इट मीन्स आप अगर थोड़ा सा इसको इधर भेज दो तो टू आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए के इक्वल होगा, और आई इज इक्वल टू कितने कितना होगा, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू होगा, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू ए बाई टू हो जाएगा। अब इन दोनों मीडियम में स्नेच लॉ लगाओ, इन दोनों मीडियम में स्नेच लॉ लगाओ क्या होगा भाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन, और आर वन की वैल्यू क्योंकि आर कह दिया था ना, यहाँ पर आर वन की वैल्यू आर कह दिया था तो यहाँ आर वन की जगह आर यूज़ करेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनना जो मैं बात बोल रहा हूँ, म्यू वन को उधर भेजो साइन आर को इधर भेजो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या होता है म्यू टू वन, साइन आई की वैल्यू क्या होगी अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, म्यू टू वन इज इक्वल टू साइन आई, आई की वैल्यू अभी क्या निकाली है, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, और साइन आर की वैल्यू क्या है ए बाई टू, है ना, सही है ना। ये फॉर्मूला किस केस में यूज़ होगा, ये फार्मूला यूज़ होगा जब ए की वैल्यू एंगल ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू, ये फार्मूला एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो रिलेशन है ये तभी आप यूज़ करोगे जब एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 डिग्री हो, उस केस में यूज़ करेंगे। अगर कम है तो, लेस देन 10 डिग्री है तो उस केस में क्या यूज़ करेंगे।